हरियाणा बड़ी तेजी के साथ औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार 2041 की आबादी की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी KMP के साथ लगती जमीन पर 5 शहर बसाएगी। इस परियोजना के चलते दिल्ली के व्यापारियों को हरियाणा में अपना व्यवसाय बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही दिल्ली में रहने वाले हरियाणा के लोगों को इन 5 शहरों में बसने के अवसर भी मिलेंगे, जिस वजह से दिल्ली पर आबादी और यातायात का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। बता दें कि करीब 136 किलोमीटर लंबे KMP के दोनों तरफ HSIIDC की ओर से 5 शहर बसाए जाने का प्रस्तावित है, जो स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर बसेंगे। बुर्ज खलीफा और यूनिवर्सल स्टूडियो की तर्ज पर प्रदेश सरकार गुरुग्राम में अपनी खुद की एक आइकॉनिक बिल्डिंग तैयार करने को लेकर पहले से गंभीर है, जिसके लिए जमीन के तमाम विवाद खत्म कर लिए गए हैं। KMP के दोनों तरफ बहादुरगढ़ के पास कुंडली से लेकर खरगोदा के बीच सोहना के आसपास व पलवल के नजदीक तथा मानेसर के निकट 50,000 हेक्टेयर में ये शहर बसने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचग्राम शहर की अवधारणा पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए HSIIDC के अधिकारियों को निर्देशन दिया है। वहीं हरियाणा सरकार की पंचग्राम योजना के तहत बसने वाले 5 शहरों में विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टर्स और कंसल्टेंट यहां आएंगे। प्रदेश सरकार ने जिस तेजी के साथ इस परियोजना पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, उससे हरियाणा अगले 20 साल में शहरों का राज्य बन जाएगा और यहाँ हर दूसरा आदमी शहरी होगा। यह 5 शहर 8 जिलों की जमीन पर बसेंगे। इनमें फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूह, सोनीपत, रोहतक और झरझर की जमीन का इस्तेमाल होगा, जो कि KMP के दायरे में पहले से आ रही हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।